प्रिय छात्रों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9, आज क्लास 11th का मैथ है ये और नगीन प्रकाशन है। देखिए अगर आप पीछे का अध्याय नहीं पढ़े हैं, पीछे का लेसन नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीछे का अध्याय पीछे का लेसन पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर कंपटीशन की तैयारी कराया जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर पहले का पहला क्वेश्चन। देखिए अनंत पदों का योगफल हम लोग को ज्ञात करना है। अनंत पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a1 - r होता है। देखिए तो निकाल देंगे दोस्तों हम लोग का a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है हम लोग का 16 है, 1 - r। r का मान कितना है दोस्तों हम लोग का आता 8 में 16 से भाग देंगे तो कितना होगा हम लोग का 1/2 निकलेगा, या 4 में 8 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों हम लोग का 1/2 ही निकलेगा। यहाँ पर r का वैल्यू कितना निकल रहा है 1/2, कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 2 में 2 में से घटेगा दोस्तों 1/2 होगा, 2 का ऊपरला में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 16 × 32, ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोग का, इसका भी उसी फार्मूले पर क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, यानी अनंत पदों के योगफल वाला पर क्या होता है फार्मूला दोस्तों हम लोग का। देखिए अनंत पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a/1 - r होता है। प्रथम पद का मान 1 है, 1 - r का वैल्यू कितना है दोस्तों? माइनस, इसमें भाग देंगे 1/3 में हम लोग 1 से तो कितना होगा हम लोग का कि -1/3 में अगर 1 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना होगा हम लोग का? -1/3 होगा। 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उतना ही होता है हम लोग का, यानी माइनस निकलेगा 1/3, -1 क्या हो जाएगा दोस्तों? +1/3, या 1/9 में भाग देंगे -1/3 से तो 1/3 ही निकलेगा माइनस में, 3 × 3 ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 × 3 कितना हो जाएगा? 4, 1/5 = 4/3, 3 × 8 चला जाएगा दोस्तों हम लोग का ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3/4, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का उत्तर? 3/4 हो जाएगा।